Good morning, students. Today we are going to learn the new chapter, rational number. Students, here we will learn about the rational introduction. Rational, a number which can be written the p by q form, cannot be zero, is called the rational number. So here p jo hai students, that is your numerator and q is denominator. So it has numerator and denominator. Matlab isme hamare paas do rahenge, ek numerator rahega aur ek denominator rahega. All natural number, whole number, integers are part of rational number. Ye sare चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो और चाहे वो रैशनल नंबर हो, ऑल आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, ऑलवेज ये अपने दिमाग में रखना है. नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 होता है. रैशनल नंबर इस तरह से होते हैं. देखो, नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर है. वाई? बिकॉज इट कैन बी रिटन द पी वाई क्यू फॉर्म. हम इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब एक ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, एक नीचे वाला हिस्सा रहेगा. जैसे 1, 2, 3, 4, इन सब के नीचे 1, 1 होता है. अगर 1 है तो पी वाई क्यू में, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो वी कैन सी इट इज़ अ रैशनल नंबर. अगेन, होल नंबर में 0 से 1, 2, 3, 4 है, इन सब के नीचे 1 रहेगा. अगेन यू कुड से कि होल नंबर इज रैशनल नंबर. इंटीजर में भी सब नंबर के नीचे क्या रहेगा? 1 रहेगा. ये सारे इंटीजर भी क्या है? रैशनल नंबर. अब न्यू टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. स्टूडेंट्स, हमें वेरीफाई करना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं. तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, इनकी वैल्यू सेम आएगी. तो लेट्स सी, हमने यहाँ पर किए हुए कुछ सम्स समझते हैं. स्टूडेंट्स, 5/10, 15/30, 10/20 एंड 20/40. इनको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यू कुड सी कि वन ये 5 1 = 5, 5 2 = 10, 1/2 आएगा. 15 1 = 15 एंड 15 2 = 30. अगेन ये 1/2 आएगा. नेक्स्ट देखेंगे 10/20, 0 0 कैंसल, 1/2. दिस 0 0 भी कैंसल, 2/4, आंसर 1/2. तो अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी का सिंप्लीफाई करने पर रैशनल नंबर सेम आ रहा है. तो वी कैन से दिट इज़ अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, किसी भी नंबर को हम लोग किस तरह से रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ देखें एक क्वेश्चन दिया है, -1, 1/4. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे? 4 1 = 4 और -1, 4 1 = 4, -1. तो आई हैव डन हियर, 4 1 = 4, ये माइनस. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि ये माइनस है आपका, ये माइनस रहेगा. और माइनस -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5. टोटल हो जाएगा -5. स्टूडेंट्स हियर विल कम माइनस. स्टूडेंट रिमेंबर करना, यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा ये. ओके, देन स्टूडेंट्स यहाँ नंबर लाइन है. आपको ओनली 0 से लेकर नंबर लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख लेना है, फिर रिप्रेजेंट कर लेना कहाँ माइनस 5/4 आए. तो दिस इज योर आंसर. इन दिस मैनर यू कुड रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑन नंबर लाइन. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. हियर वी विल लर्न द एक्सरसाइज 9.1. हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन, वी विल डू द सॉल्यूशन. -1 and 0 क्वेश्चन है. -1 and 0, -1 and 0, -1 and 0. तो ए इक्वल टू -1 एंड नाउ इट कैन बी रिटर्न -1/1. बी इक्वल टू 0/1. स्टूडेंट्स -1/1 और 0/1, इनके बीच के नंबर आपको लिखने रहेंगे. तो -1 और हम देखें 0 के बीच में नंबर लिखने. तो यहाँ पे कितना डिमांडेड है? 5. तो हम लोग 6 से एक नंबर बढ़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. तो 6 1 = 6, -6/6 हो जाएगा. यहाँ पे 0/6 होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0/6. हालांकि 0/6 को हम लोग 0 ही लिखेंगे. फिर उसके बाद -6 से आप जैसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, यू विल गेट 5 नंबर. -5, -4, -3, -2, -1, दीज आर द 5 रैशनल नंबर. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है -2 and -1. ये आपका ए, ये आपका बी. हम लिखेंगे -2/1 and -1/1. तो एन इक्वल टू 6 ले लेंगे. 5 चाहिए हो तो एक नंबर बढ़ के लिखते हैं. तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -12/6 और -6/6, इनके बीच के ये नंबर आ जाएंगे. इजीली यू कुड फाइंड 5 रैशनल नंबर. स्टूडेंट्स अब करेंगे नेक्स्ट वाला, -4/5 and -2/3. अगेन आपनों को इसको हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक, तो एलसीएम 5 and 3, 15 आएगा. यू हैव टू मैक 5 को 15 बनाने के 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को करना है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे ही 15 यहाँ हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ हो गया -12 एंड हियर विल भी -10. नाउ स्टूडेंट्स सी,
-12 टू -10 के बीच के नंबर आप देखेंगे तो यू विल गेट ओनली वन नंबर -11/15, ओनली वन नंबर -11/15, बट वी वांट एटलीस्ट 5 नंबर. सो स्टूडेंट्स वी विल डू द मल्टीप्लाई ऑफ आ नंबर बाय 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 36 मिलेगा, वहाँ पे -30 मिलेगा. सो -30 और -30 के बीच में इजीली यू कुड गेट 5 रेशनल नंबर, -30/45, -34/45, -33, -32 और 30, दीज आर द 5 रेशनल नंबर. -1/2 एंड 2/3, -1/2 एंड 2/3, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए. तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा. आंसर क्या आएगा, 6 आएगा. -1/2 एंड 2/3, नाउ 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, जैसे ऊपर नीचे करेंगे 4/6, या 3 से करेंगे -3/6. अगेन नाउ -3 एंड -3 और 4, यू कुड राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -4. सो हियर आई हैव रिटन 5 रेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20. स्टूडेंट नाउ यू कुड सी हियर कि 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, ऑलवेज 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है. सो अगेन हमारा जो नंबर है पूरा 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, आगे जाके 3 5 15, देन 18 21, इसी तरह से ऑर्डर में बढ़ेगा. तो 3 5 कर दिया, 3 6 3 7 3 8 3 9 और 15 18 21, 3 का ही आप देख सकते टेबल है. नीचे आप देखेंगे तो 5 5 जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी बढ़ता जा रहा है, तो नीचे भी टेबल बढ़ रहा है, 5 का टेबल हो रहा है, 5 5 25 30 35 40 45. सिमिलरली यू विल डू इन दिस क्वेश्चन, -1 -2 -3 दिया तो -4 -5 -6 -7 -8, और यहाँ 4 का मल्टीपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा. सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखें, -1 को आप नीचे कर दें तो आप देख सकते हैं पूरी नीचे 6 का टेबल दिखाई दे रहा है, ऊपर 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है. यू कुड राइट 5 रेशनल नंबर. ये सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कुड डू क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजीली. क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, मुझे इसके ही 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 7 का टेबल आगे 4 स्टेप के लिए पढ़ लेंगे और -2 का भी टेबल 4 स्टेप के लिए आगे ले जाएंगे. तो देखो हमने किया -2/7 के बाद 4, 2 4 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10. सिमिलरली उसी टर्म से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, वी हैव फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स दैट इज़ वेरी इजी एंड यू कुड डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं. स्टूडेंट सी दिस क्वेश्चन, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर. हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें बताना है कि 3/4 कहाँ पे आ रहा है. स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा ये आएगा, ये नहीं आएगा. 0 के बाद मैंने 1 2 3 4 लिखा और सबसे 4 से डिवाइड स्टार्ट किया तो यू कुड गेट 3/4. तो ये रिप्रेजेंट 3/4 ऑन द नंबर लाइन. यहाँ पे हमें आराम से नंबर लाइन मिल गया, -5/8, दूसरा मिल गया -5/8. 0 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, सबसे डिवाइड करते जाएंगे 8, तो यू विल गेट -5/8. ये रिप्रेजेंट -5/8 ऑन द नंबर लाइन. -7/4, अब पूरा ये नंबर लाइन है, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 7, तो -7/5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, -7/4 ऑन दी नंबर लाइन. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, देखने में थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ आपको 0 1 2 3 4 लिखे हुए, यहाँ से आप देखो 1 2 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया. तो 2 यहाँ पे देखो 1 2 2 के बाद क्या आता है, 1 2, जैसे नॉर्मली हमारे नंबर होते हैं हम 1 2 लिखेंगे, उसके 3 इक्वल पार्ट किए, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया. अब 2 ये हमेशा इसके साथ में रहेगा, इसके साथ में रहेगा आगे. तो 2 अब देख सकते 3 2 6, ये आया 7/3, यहाँ 3 2 6, 8/3. तो इस तरह से हम लोग इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड किया हुआ है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं P रिप्रेजेंट 2 1/3, 3 2 6, 7/3. यहाँ पे Q की बात थी, ये वाला Q देख रहे हैं हम लोग, 3 2 6, 8/3. अगेन यहाँ पे देखें R रिप्रेजेंट -1 1/3, 3 1 3, -4/3 आएगा. और S इस साइड भी देखें, -1 और -2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट डिवाइड किए गए, एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और 3 हिस्सा. तो आपको 3 3 तो नीचे लिखना है लेकिन आप इसको 1 2 के ऑर्डर में लिखोगे, 1 2, और यहाँ पे ये -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भी माइनस शिफ्ट हो जाएगा. अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3 और 1, तो -4/3, अगेन 3 1 3, -2, -5/3. तो दिस वे यू कुड इजीली सॉल्व इट.
क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रेशन नंबर, -7/2 एंड 3/9। एलसीएम ऑफ 21 एंड 9 इज 63। इन दोनों का हम लोग अगर एलसीएम लेने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 दिया है और 9 दिया है, सॉरी 21 था स्टूडेंट्स, ये 21 है और 9 है। जैसे 21 का आएंगे 63 होगा, यहाँ 21 लिखा है और यहाँ 9 लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाएगा, यहाँ 7 से करेंगे 63, नीचे करेंगे तो ऊपर भी, यहाँ नीचे 3 से किया तो हम लोग न्यूमरेटर में भी करेंगे। नाउ हियर यू विल गेट -21/60 एंड 21/60। इजीली यू कुड रिकॉग्नाइज कि दीज आर नॉट द सेम रेशन नंबर। आई हैव रिटन द स्टेटमेंट बिलो द दिस, हियर यू कुड सी -16/23 एंड 20/-21। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो आप देख सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे -4/5 और -4/5 कैसे आ रहा, देखो 16 को लिख सकते हैं 4 4 16 और 20 को लिख सकते हैं 4 5 20। नाउ 4 4 विल बी कैंसल आउट, -4/5। यहाँ देखें 20 कैन बी रिटर्न 4 5 20 एंड 5 5 20। नाउ 5 5 विल बी कैंसल आउट, -4/5। अगेन दीज आर द रैशनल नंबर स्टूडेंट्स। इन दिस वे यू कुड डू रेस्ट ऑफ अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, -3/5 एंड -12/20। सिंप्लीफाई करके देखेंगे स्टूडेंट्स, -3/5 एज इट इज है, -3/5 वैसे का वैसा रहेगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी सिंपलेस फॉर्म। -12/20 को सिंपलेस करेंगे, यू विल गेट 4 3 12 एंड 4 5 20। नाउ -4 4 विल बी कैंसल, -3/5। यू कुड नाउ रिकॉग्नाइज दोनों एक जैसे हैं तो दीज आर सेम रेशन नंबर, 8/-5 एंड -24/25। इसको हमने माइनस है ऊपर ले गए, -8/5 होगा, इसको हम लोग सिंपलेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे किया -8/5। नाउ यू कुड सी दीज आर द सेम रेशन नंबर स्टूडेंट्स। हियर वी आर गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 9.2। थैंक यू वेरी मच।